Good evening, friends. Let us speak about today's behavior of bank Nifty and Nifty in the market. So Nifty or bank Nifty का behavior आज कैसा रहा और क्या-क्या levels हमको देखने को मिला, क्या-क्या resistance support हमको बनाया हुआ दिखाई दिया. What are the resistance and support levels that has been made for the next trading session? So आज का दिन पूरा completely flat रहा, gap up opening के साथ थोड़ा नीचे आया morning एक session और फिर से ऊपर खींचा गया और रेंज में रखा गया. इट वॉज ब्रॉट डाउन इन द इनिशियल टाइम इन द मॉर्निंग, देन इट वॉज लिफ्टेड अगेन टू द अपवर्ड मूवमेंट एंड केप्ट रेंज बाउंड थ्रू आउट द मार्केट. सो प्रीमियम एरोशन हुआ, बहुत सारा प्रीमियम एरोशन किया गया है, लॉट ऑफ प्रीमियम एरोशन. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बाई 34,200 सीई फॉर रेट ऑफ 300 व्हेन द स्पॉट इज 33,900. The same 34,200 CE once again after the spot is reached 33,900 or above stays somewhere around 285 or 280. So 20 rupees premium cut is going to happen. That is what happens every time when there is a range bound market. In the range bound market, option writers are going to make money. That is sell options and make money. That is what the thing. So कल क्या किया गया था? एक शार्प अपो दिया गया था, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था, एकदम डाउन ट्रेंड से ऊपर खींचा गया था. ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया है, आपको दिखा देता है डाउन ट्रेंड कब बनाया है. यहाँ से जब ये कंसोलिडेट हुआ मार्केट, थोड़ा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनाया गया था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया था. ओके, पिछले वीडियो में बताया गया था कि ऐसा अप ट्रेंड निकलेगा अगर गैप अप के साथ होगा तो. अप ट्रेंड किया लेकिन एक ही दिन का सेशन में, इन वन डे इट्सेल्फ दैट अप ट्रेंड वाज टेकन एंड द नेक्स्ट डे इट इज ह्यूज गैप अप, बड़ा गैप अप से ओपन हो गया. सो ये सब किया गया है मार्केट में एंड वी आर गोइंग टू सी द सेम सिनेरियो नाउ. वही सिनेरियो यहाँ पे हमें बनाया हुआ दिखाई दे रहा है. फिर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. दैट मीन्स इन एंटायर डे हैज बीन कंसोलिडेटिंग. सो कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या यहाँ से गैप अप होके फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से गैप अप होके यहाँ पे गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, क्या क्या लेवल हो सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में. यही हालत निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी आप देख दीजिए यही हालत है निफ्टी में भी. ये चार्ट आप देख सकते हैं 5 मिनट का. सो यहाँ पे भी एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है और गैप अप के साथ ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन है. दैट इज रेंज मूवमेंट, डाउन अप एंड रेंज मूवमेंट में यहाँ पे निफ्टी भी क्लोज किया है. चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में. लेट अस सी व्हाट इज बैंक निफ्टी हैविंग इन स्टोर फॉर अस इन फ्यूचर. कल क्या लेवल हमने देखा था, 5 मिनट से 15 मिनट चला जाता है, थोड़ा अच्छा सा हमारा लेवल समझ में आ जाएगा. देखिए अभी जो आपको बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, द वेयर एवर द लेवल्स बैंक निफ्टी हैज टच्ड एंड मेंटेन टूडे, इट इज clearly closing this level 33,954 somewhere around here. Okay, यहाँ पे इस लाइन पे ये रेंज है, इसको एक थोड़ा रेजिस्टेंस मान के चला है. इट हैज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको किधर मिलेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल समवेयर अराउंड हियर, यहाँ से लेके आप देख सकते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ कहीं तक होगा. सो क्लियरली वो रेजिस्टेंस लेवल क्या है, एक ट्रेंड लाइन के साथ हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे लाइन डिलीट करके एक ट्रेंड लाइन हमको बनाना है. ये जीरोधा अकाउंट में हम बना रहे हैं, बहुत अच्छा है जीरोधा टेक्निकल एनालिसिस के लिए. कल का लेवल ये होगा कि समवेयर अराउंड 34,350 एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद आज का डे हाई क्या है 34,140 और यहाँ पे कुछ है पिछली ट्रेडिंग सेशन का हाई ये बनाया है, ये 32 यहाँ कई पे लाइन आएगा 32,250. दीस आर दी रेजिस्टेंसेस सपोर्ट टुडेस लो, दैट इज समवेयर अराउंड 33,750 और ये गैप जो ये बनाया है ये गैप फिल करने के लिए आएगा. ठीक है, ये गैप में क्या होगा, you can see the gap that is been made and we shall see what is happening in that gap by understanding the previous levels. You can see this level here
somewhere there is a gap here. Here it has taken a kind of support. Here it has taken a kind of support. Okay, in this particular range, it has moved. Here also, nearly to that range. Here also, nearly to that particular range. That is somewhere around 33,500. So यहाँ कहीं तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है. ऊपर के लिए 34,140 आसपास में जाके ये रुक सकता है, क्योंकि अपसाइड में हम बात कर रहा है. नीचे डाउन साइड, इफ इट इज डाउन साइड, इट इज 33,750 एंड 33,500 आर द लेवल्स. It is going somewhere around this level. A level तक जा सकता है 33,280-290 के आसपास एक सपोर्ट लेवल आपको बन सकता है. Precise support level live market में कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा. So next let us go to what do you call Nifty chart. We shall erase few of the markings here. Nifty chart, Nifty में क्या हालत बना हुआ है? Nifty में भी सेम हालत बना हुआ है. एक range bound market दिखाई दिया है आपको. यहाँ पे देखिए एक level दिया था 15,042, उसके ऊपर ही ये closing दिया. मतलब वो 15,042 को break नहीं किया, नहीं तो further fall आ सकता था up till 15,000 और 14,970 तक break हो सकता था. वो नहीं हुआ. Okay, so it is also in a consolidated mode, range bound market today. So एक बड़ा gap up के साथ market खुला और range bound हो गया. यहाँ पे भी हम देखेंगे 5 minute chart में क्या क्या level, micro levels में हम बता सकते हैं कि क्या क्या level हमको बना दिखा रहे हैं. So what are the levels that we are going to get? Trend line के बारे में हम बता चुका है previous video में, देख लीजिए trend line का क्या होगा हाल. देखिए यहाँ पे exactly एक support है आपको. The support which I was talking was somewhere around 15,040 के आसपास. ये देखिए दो बार यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट कैसा बन रहा है. एक बार ये सो प्रीवियस हाई है और उस हाई को ब्रेक करके अभी और रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, यही पे घूमता रहा, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, गैप अप लिया, यहाँ पे कंसोलिडेटेड कर दिया और यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ और कंटिन्यूस अप मूवमेंट हुआ. यहाँ बड़ा गैप बन के ये रेजिस्टेंस का ऊपर चला गया और एक रेंज में फंस गया. ओके, दिस इज द मार्केट. सॉरी आई कैन नॉट ड्रॉ करेक्टली प्रिसाइजली बिकॉज वीडियो बिकम्स वेरी लेंथी. सो आई एम ट्राइंग टू कीप वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल. सो आई एम नॉट ड्राइंग ए वेरी परफेक्ट लाइन्स, डोंट वरी अबाउट दैट. सो जस्ट फॉलो दी लेवल्स. और उसके बाद फिर से हम देख सकते हैं नेक्स्ट इज दिस लेवल समवेयर अराउंड हियर. यू कैन सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नेक्स्ट किधर तक ये गिर सकता है. ये रीसेंट हिस्ट्री का है. अगर आप फिर से बहुत पीछे गया तो और भी आपको लेवल्स मिल जाएगा. प्रिसाइज लेवल आपको कल लाइव मार्केट में ही मिलेगा. ये सब आपको ध्यान देना है कि सेटअप कैसा बनाना है, क्या दिशा में आप देख सकता है, व्हाट इज द डायरेक्शन दैट यू नीड टू प्रेडिक्ट बाय द levels that you are going to see before the market tomorrow. That means today only you are going to see and decide what may be the fate of the market, if it is going to open gap up or gap down. यहाँ पे ये break किया, break करके यहाँ पे touch नहीं हुआ यहाँ पे, और यहाँ दो एक level है और यहाँ पे तोड़ के ऊपर बहुत ऊपर चला गया. So somewhere around 14,970-970 to 960 एक रेंज में आपको सपोर्ट लेवल रहेगा नीचे साइड में. और भी अगर नीचे गिरना है, इट इज गोइंग टू गो फॉलिंग फर्दर डाउन, देन यू हैव टू सी समवेयर हियर. यहाँ पर कल पे आप देख सकते हैं दो लेवल्स भी यहाँ पे बना हुआ है. दैट मीन्स यू कैन सी फर्दर फॉल. ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ एक और यहाँ पे एक रेंज, यहाँ पे एक रेंज हुआ नहीं, यहाँ पे एक रेंज और यहाँ पे ब्रेकआउट. ओके, ये लेवल भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 14,890 और 15,000 लेवल. ओके, साइकोलॉजिकल लेवल है 14,900. सो 14,900 और 14,000
890 ये लेवल में आपको देखना है। इसके नीचे अगर जाता है तो और भी फर्दर फॉल हो सकता है, वो प्रिसाइज लेवल भी हमें अर्ली मॉर्निंग सेशन में मिल जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ बना रहा है, रेजिस्टेंस बनाने के लिए थोड़ा और हमें डिटेल्ड व्यू चाहिए। 15 मिनट्स पे चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही एक खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, ग्रीन डॉटेड लाइन को आप देख लीजिए, कोई एक्स्ट्रा लाइन का जरूरी नहीं है। ग्रीन डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे यहाँ पे रुक रहा है। ये देखिए ये पॉइंट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ऊपर नीचे यही लेवल में बहुत सारा टाइम घूमता रहा। यहाँ कहीं पे हमको ये रेजिस्टेंस बना दिया समवेयर अराउंड 15,110-120 के रेंज में, यहाँ पे हमें फंसा दिया मार्केट। सो इसका अगला रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन देखे। अगला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे प्रिसाइजली एक रेजिस्टेंस होगा 15,200 के पास या समवेयर अराउंड 15,200। ओके, कैसा ये 200 बन गया कि ये थोड़ा हाई पॉइंट है, आपको देखना पड़ेगा कि ये लेवल बार बार अचीव नहीं हुआ है। यहाँ पे आउट हुआ, यही लेवल पे नीचे आ गया 15,200 के पास नीचे आ गया। यहाँ पे फिर से 15,000 के पास गया, 200 के पास गया, तोड़ नहीं पाया। एक गैप अप के साथ 15,200 को तोड़िया लेकिन फिर से वापस आ गया। ओके, कहीं भी आगे 15,200 का ऊपर नहीं चला है, तो एक 15,200 या 15,180-190 ये लेवल भी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप ओपन होके उसके ऊपर भाग जाएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, नहीं तो उसके नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ग्लोबल मार्केट का संकेत देखिए, सीधी ग्लोबल मार्केट व्हाट डाउ जोन्स नैस्डैक एंड इन द मॉर्निंग एक्सजीएफ निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी के मूवमेंट देख के आप डिसाइड कीजिए मार्केट का डायरेक्शन। और आज भी वही हुआ कि मार्केट बहुत लोगों को बहुत तरह पूरी तरह के फंसा के चला गया। हमारा बैंक निफ्टी का कॉल अच्छा चला और टाटा